हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता कुकिंग चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुने हुए चने की रेसिपी। इसे हम घर पे बहुत ही आसानी से भून सकते हैं, वो भी बिना रेत के। और ये जो चने हैं वो बिल्कुल मार्केट से जो आप चने लाते हैं उसी की तरह भून कर ये तैयार होते हैं। तो चलिए चने को भूनना स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसे भुनना स्टार्ट करते हैं। इसे भुनने के लिए मैंने एक कटोरी लाल चना लिया है, आधा कटोरी मैंने नमक लिया है, थोड़ी सी मैंने सरसों की तेल ली है और थोड़ी सी आधे चम्मच के लगभग मैंने हल्दी लिया है। तो पहले हम चने को ले लेंगे और उसमें जो हल्दी मैंने लिया था उसे इसमें डाल देंगे और इसमें सरसों के तेल को भी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मिक्स कर लेना है। इससे तेल को डालने से जो हमारे चने हैं बहुत ही अच्छे भूनकर तैयार होते हैं। और 2 से 3 मिनट तक हमें इसे रख देना है। तो चलिए हम पहले नमक को गर्म कर लेते हैं। नमक गर्म करने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें मैं नमक को डाल दूंगी। ये हमारा नमक बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और इसमें चने बहुत ही आसानी से भून जाते हैं। तो ये हमारा नमक को इसे फैला देना है इस तरीके से। तो हमारा नमक गर्म हो गया है। अब नमक को हम एक साइड में कर देंगे और चने को हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। डायरेक्ट हमें चने को नमक पे नहीं डालना है और इस तरीके से 1 से 1 मिनट हमें इसे साइड में भूनना है। उसके बाद हमें नमक में इसे मिक्स कर देना है। डायरेक्ट हम नमक में चने को डालेंगे तो हमारा जो नमक है वो ठंडा पड़ जाएगा और इसे हमें कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है। तो चने को हमें कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहना है और गैस के फ्लेम को हमें हाई रखना है। तो देखिए हमारे चने फूटने लगे हैं। चने को भुनने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही इसे भुनना आसान है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे चने भुन गए हैं। चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसे हम एक छन्नी की सहायता से निकाल लेंगे। चने को घर पे भूनना बहुत ही सिंपल है और जब चाहे आप इसे घर पे भूनकर खा सकते हैं। आप चना जब भी भूने तो बड़े साइज के चने को ही कहीं यूज करें। ये बहुत ही अच्छी तरीके से भूनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो लीजिए हमारे सारे चने भूनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से भुने हुए हैं। तो आप इस चने को घर पे बहुत ही आसानी से भून सकते हैं और इसे भूनना बहुत ही आसान है। अगर आपको इस चने के को और चटपटा बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर को ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी लहसुन के पेस्ट को इसमें ऐड करके आप खाइए। ये चना जो हमारा है इसका टेस्ट और भी बहुत बढ़ जाएगा और ये बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। चने को भूनने के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के 1 से 2 महीने तक आसानी से खा सकते हैं। आपको अगर आज का ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।